अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बहुत ही अच्छी खबर, गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन टच विद अस। डिफरेंट कंट्रीज़ में, भले वो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप यूएई में बैठे हैं, केएसए में बैठे हैं, और जहाँ जहाँ से आप हमसे रब्ता कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम बाई एंड ऑफ दिस मंथ माइट पॉसिबल इट विल बी ऑन 30 सितंबर हम अपनी क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस का हम बाकायदा आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी हमें कमेंट्स आए, उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल्स, जिसमें वेदर दे इंसिस्ट अस टू नीड ऑफिस इन दैट स्पेसिफिक सिटीज़, और हम मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मींस के इन बिग सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद जो है वो है साउथ पंजाब, स्पेसिफिकली इस एरिया को जो है जनूबी पंजाब के एरिया को फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है, लोग अपना एक्सपीरियंस या नहीं है, अगर है तो शेयर नहीं करते, और सो दैट्स द रीज़न। एनी हाउ, सो इस टॉपिक पे एक वीडियो में डिफरेंट बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, नॉट ओनली अमेजोन भी है, नून भी है, दराज भी है, आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, स्किल्स अर्न करके आप घर बैठे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इवन कि आप अपना अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, और आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसको मेरे ख्याल में हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ताकि चीज़ें मिक्स ना हो और आप कंफ्यूज ना हो। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो पहला हमारा छोटा सा टॉपिक होगा वो होगा कौन कौन ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो हमारे इस सेक्शन के अंदर होंगे। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप विच इज़ द आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आप ई कॉम जोन को ज्वाइन क्यों करें। मीन्स कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लर्निंग करना चाहें आप कर सकते हैं, बट आप ई कॉम जोन को ही आप ज्वाइन क्यों करें। और एंड पे जो है वो एक छोटा सा क्लोजिंग नोट हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कौन कौन ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। Okay, the simple is कि anyone who have a basic understanding of the smartphone or basic understanding of the computer or laptop and have the basic qualification can join these courses। इसमें क्योंकि कोई टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, आप अगर अमेजोन का काम सीख रहे हैं, किसी भी मार्केट प्लेस का काम सीख रहे हैं, कोई टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें किसी किस्म के कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, और ना ही इसमें भी आपको इतनी मेहनत या स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेट्स सपोज अगर हम वेब डिज़ाइनिंग की बात करें जिसमें आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक तो ये बात है कि आप इजीली जो है फ्रीलांसिंग के अंदर आप मार्केट प्लेसेस के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग कि भाई आप ऐसे तमाम लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ये स्किल्स लर्न करके वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो आप भले अमेजोन पे करना चाह रहे हैं, दराज पे करना चाह रहे हैं, या आप नून पे करना चाह रहे हैं, इससे हटके वो जितनी मार्केट प्लेसेस हैं छोटी छोटी जो कि हम इन सब तमाम कोर्सेज के अंदर डिस्कस करेंगे, तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट प्लेसेस जो हैं वो आलमोस्ट सारी एक जैसी होती हैं, उनमें जो है वो हम कह सकते हैं कि वो 60 to 70% दीज आर द सिमिलर वर्क पैटर्न। उसमें जो डिफरेंस है वो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट अगर अमेजोन का बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, नून के लिए आपको टोटली डिफरेंट चीज़ करनी पड़ेगी, दराज के लिए आपको उससे हटके कोई चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी ये कोर्स कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको 60 to 70% इन्फॉर्मेशन आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कैसे सर्विसेज देनी है तो वो जो है वो सारा कुछ आप इसके अंदर लर्न करते हैं। उसके अलावा वो तमाम लोग आई सजेस्ट कि वो ज्वाइन करें, वो तमाम लोग के जहाँ पे अमेजोन है, नून है, वो अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। ऑपरेशन मीन्स के पाकिस्तान के अंदर अमेजोन जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशंस उसके नहीं हैं जिस तरीके से daraz.pk के हैं। बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे अमेजोन के वेयर हाउसेस हैं, ऑफिस हैं, आप बाय सेल कर सकते हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो डेफिनेटली अमेजोन के बारे में सीखें और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए अकाउंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और अमेजोन का अकाउंट जो है वो फ्लिपेबल एसेट होता है कि आप उसको एक दफ़ा बना लें और उसके बाद अगर आप उसको सेल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, वो हमारा टॉपिक नहीं है, मगर आई सजेस्ट के वो तमाम लोग जो हैं इस कोर्स को ज्वाइन करें और उसके अलावा अमेज़ॉन और मार्केट प्लेसेस के बारे में वो सीखें। स्पेसिफिकली जो है वो सऊदी अरेबिया के लोग और उसके बाद दुबई के अंदर जो लोग रह रहे हैं, विच इज़ चंक ऑफ द पॉपुलेशन, हमारे अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 9 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। उसमें से अराउंड 4.2 मिलियन पाकिस्तानी हैं कि जो सऊदी अरेबिया में और यूएई में रहते हैं। इन कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास बहुत स्कोप है और मैं तो खैर ऑलवेज़ मैं रिकमेंड करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स को और इन तमाम लोगों को कि जो अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, इवन अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, इवन के वहाँ किसी का अकाउंट ओपन करवा के उसके अकाउंट पे वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन मार्केट है, इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट भी नहीं है और अमेज़ॉन ने यहाँ पे रिलैक्सेशन भी बहुत दी हुई हैं। और अगर आप वहाँ रहते हुए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी कोई लंबे चौड़े ज़रूरत नहीं होते, सिर्फ आपके पास आईडी है, आपके पास बैंक डिटेल्स हैं या इवन के सैलरी कार्ड है, तो इसकी बेसिस के ऊपर आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और यहाँ पे आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम इट्स अ सिंपल इज़ दैट, आप किसी भी दोस्त फैमिली मेम्बर जानने वाले को आप अपना अकाउंट हैंड ओवर कर दें तो आपके बिहाफ के ऊपर वो यहाँ से उसके ऊपर वर्किंग करते रहेंगे। ओके, और एट द एंड जो है वो मैं ये कहूँगा कि ऐसे तमाम वर्चुअल असिस्टेंट कि जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं और वो अभी प्रैक्टिकल स्टेज में हैं, उनको अगर किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि कोर्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग समझाना कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, वो उसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे आपको चीज़ें लर्न होती हैं, मगर स्टिल उसके बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वेर यू फील दैट यू नीड सम मोर टाइम टू लर्न अबाउट ऑल दी स्किल्स। तो ऐसे तमाम लोग के जो ऑलरेडी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं या इवन के उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है किसी भी चैनल के थ्रू और अभी उनको क्लाइंट लेने में मुश्किल पेश आ रही है, तो वो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करें। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास जो है वो ये है कि हम कौन कौन से जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वेल, सर्विसेज तो बहुत सी हैं कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा सम अप करके मैं आपको बता देता हूँ और जो कि हम इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मेरी इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक होती है आपकी नॉलेज शेयरिंग, कि मीन्स मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको शेयर करूँगा। दूसरी आपकी होती है एक्सपीरियंस शेयरिंग, आपके पास जो एक्सपीरियंस है आप उसको भी शेयर करते हैं। तो ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है ये बहुत नॉलेज शेयरिंग पे भी होगा और एक्सपीरियंस शेयरिंग पे भी होगा। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, बिकॉज रीज़न इस के हम जो है वो अमेज़ॉन और नून पे बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, हम एज आ सेलर वहाँ पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो उसमें एक वो चीज़ कि जो हमें अमेज़ॉन ने या उससे पहले सूख था, जो लोग केएसए में यूएई में रहते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि हमारे स्टोर्स पहले सूख के ऊपर थे, फिर अमेज़ॉन ने जब उसको बाय किया तो उस वक्त हमारे स्टोर सूख के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए। तो इट मीन्स कि अमेज़ॉन ने अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया था, उससे पहले हमारे स्टोर अमेज़ॉन के ऊपर वर्किंग कंडीशन में थे। उसके अलावा नून जो है सिंस दे ओपन इन 2016, सो उस वक्त से जो है वो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ खुद से कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको एक नॉलेज के साथ साथ आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मिल रही होती हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो एक ट्रेनिंग पार्ट आपका होता है तो वो ट्रेनिंग पार्ट जितने भी इनके सेशंस हैं वो सारे मैंने सूख के और सूख के अमेज़ॉन के ऑफिस से लिए हुए हैं, उसके बाद नून के ऑफिस से लिए हुए हैं। उसके अलावा कोविड जब स्टार्ट हुआ तो एनीहाउ उसके बाद वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको, जो नून है उन्होंने उसको लिंक्डइन पे कन्वर्ट कर दिया और जो अमेज़ॉन है उन्होंने उसको वेबिनार पे कन्वर्ट कर दिया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पर इसमें जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, दिस इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इसमें हम कुछ स्पेसिफिक जो कोर्स है उसको सिर्फ हम लर्न नहीं करवाएंगे आप लोगों को, बल्कि जो एक वर्चुअल असिस्टेंट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हम उन चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको हम गाइड करेंगे। इस चीज़ को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि जो हमारे पास अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस मॉडल यूज़ हो रहे हैं, उसमें हमारे पास अकाउंट क्रिएशन से लेके फिर आपके पास हंटिंग आता है, टारगेटिंग आता है, फिर सोर्सिंग आता है, ड्रॉप शिपिंग है, FBL है, FBA है, FBM है। ये वो चीज़ें हैं कि जो सिर्फ यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। हालांकि इसके अलावा अगर आप एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप ऊपर चले जाएँ तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं, जो कि यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाती। जो चीज़ मैंने यहाँ पाकिस्तान में ऑब्जर्व की है वो ये है कि मोस्टली जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो सिर्फ एक कोर्स करवा रहे हैं। मतलब कि अगर वो ड्रॉप शिपिंग करवा रहे हैं तो वो भी करवाएंगे, इट माइट बी फॉर 3 मंथ 4 मंथ 2 मंथ, इट्स अ डिपेंड। उसके बाद जो है वो आपने अगर FBA करना है उसके लिए डिफरेंट कोर्स में एडमिशन लेंगे। उसके बाद अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है उसके लिए डिफरेंट कोर्स में एडमिशन लेंगे। तो हम जो ऑनलाइन कोर्स करवाएंगे इसमें कंप्लीट बिजनेस मॉडल जो हमारे पास अमेज़ॉन के हैं वो सारे इसके अंदर ऐड होंगे। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि ये इतनी सारी चीज़ें कैसे कवर होंगी, उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि अगर किसी को आपने एंगेज करना है, एक नया स्टूडेंट है जिसको अमेज़ॉन के ड्रॉप शिपिंग के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर उसको मैं एंगेज करना चाहूँ तो मैं उसको 3 महीने एक ही चीज़ सिखाता रहूँगा। और उससे हट के अगर मैं चाहूँ कि उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशंस है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो 3 to 4 मंथ में पास करते हैं, उसमें भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। एक चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि ये जो कोर्स होगा ये सिर्फ अमेज़ॉन का नहीं होगा, ये कोर्स जो है ये अमेज़ॉन का होगा। उसके साथ अमेज़ॉन के साथ हम टच करेंगे noon.com को। noon.com अगर किसी के लिए नया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गल्फ़ की हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, NOON noon.com को आप विज़िट कर लें, आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो उसके बारे में मिल जाएंगी, किस तरीके से वर्कआउट करती है। उसके बाद हम जो है वो फोकस करते हैं daraz.pk को भी, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जो दराज के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जहन में लेके फिरना कि सिर्फ अमेज़ॉन सीखने, इट्स अ गुड एंड वेल, आप बिल्कुल अमेज़ॉन सीखें, मगर उसके साथ साथ जो डिफरेंट चैनल्स आपको पैसे दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज दें, आप भले अपना बिजनेस करें। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड सजेशन। और उसके लिए कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30% वेरिएशन होता है वो भी हम इस कोर्स के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मार्केट प्लेसेस होती हैं। अगर आपको उस कोर्सेज से हट के किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट्स सपोज अगर कोई यूके में है और उसको अमेज़ॉन के साथ साथ ईबे के ऊपर भी बिजनेस करना है, ऑल्दो कि ईबे हमारा जो है वो इस सेशन का हिस्सा नहीं होगा, मगर अगेन अगर हमारे किसी रजिस्टर्ड स्टूडेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। और इन केस एनी असिस्टेंस चाहिए अकाउंट क्रिएशन के सिलसिले में, eBay टू अमेज़ॉन आप ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कंप्लीट उसको हम गाइड करेंगे। और मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ का डेफिनेटली बेनिफिट लें कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर जो भी मार्केट प्लेस अवेलेबल हैं आप अपना अकाउंट वहाँ पे ओपन करें, वो फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। अगर पाकिस्तान से बैठ के आप यूके में या USA में अकाउंट ओपन करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आपके पैसे लगते हैं, मगर एक आप उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं तो वहीं के डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर किसी किस्म की अभी कास्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। ओके, तीसरे नंबर पे दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप ई-कॉम जोन को ज्वाइन क्यों करें। ओके, आप अगर चाहें तो डिफरेंट चैनल्स हैं वहाँ पे जाके आप इसको लर्न कर सकते हैं, मगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो ई-कॉम जोन को यूनिक बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। द फर्स्ट थिंग जो कि मैंने आपको बताई है कि इस कोर्स के अंदर सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएंगी। और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के अंदर इस तरह की टेक्निक्स होती हैं कि जो एक वर्चुअल असिस्टेंट को भी नहीं पता होता। उसकी अब मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मीन्स के चंद स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं डिफरेंट ग्रुप्स में देख रहा होता हूँ, लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसका आंसर कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से बाहर निकलते ही नहीं है। अगर मुझसे मेरे ऑफिस में आके कोई बंदा डिस्कस करता है तो वो यही डिस्कशन होती है कि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमने PL करना है, हमने FBA करनी है, दैट्स इट। बिजनेस डेवलपमेंट की बात जो है वो 100 में से भी 1-2 लोग ही करते हैं आके, ये सब कुछ हो गया है, अभी हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, आगे कैसे लेके चलें। क्योंकि जो आपका अमेज़ॉन का बिजनेस है या आप सर्विसेज दे रहे हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म काम है। इट्स अ सेम लाइक कि आप मार्केट के अंदर अगर ऑफलाइन कोई आप अगर शॉप ओपन है, स्टोर आप ओपन करते हैं तो वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है। तो इसी तरीके से जो आपका अमेजोन का जो सर्विसेज है या जो आपका बिजनेस है वो भी ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है। तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा होता है कि जी बजट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी पीएल करने बजट कितना होना चाहिए। ओके, तो सिंपल इज दैट कि आपका जितना बजट है उसमें आप पीएल स्टार्ट कर लें। आपने अगर सपोज कोई गाड़ी लेनी है और आप किसी से बोलें कि जी बजट कितना हो तो मैं गाड़ी ले लूँ, इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू हैव 5 लाख यू कैन बाय अ कार, इफ़ यू हैव 50 लाख यू कैन बाय अ कार। आपके पास 2 करोड़ है फिर भी कार ले लें, 5 करोड़ है फिर भी ले सकते हैं। मीन्स कि आपके पास जितना बजट है आप उसी बजट के अंदर रह के आप अपना काम कर सकते हैं। या रेस्ट इट्स डिपेंड, वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, तो वो डिपेंड करता है। मगर जिस रीजन में या जिस कम्युनिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं, आई एम नॉट अज्यूमिंग के किसी बिग कंपनी को जो है या किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर को या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को किसी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज की ज़रूरत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका अलहदा एक कंप्लीट सेटअप। अगर आपने अमेजोन के ऊपर अपना खुद सा बिजनेस करना है तो वो मिनिमम अमाउंट से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको ई कॉम जोन जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसके अलावा जो और सर्विसेज हैं, सबसे ये तो एक तो जो आपका किसी भी नून हो गया, अमेजोन हो गया, नून के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत कम है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स जो है वो मैं शेयर करूंगा। इस वक्त फाइवर के ऊपर लाखों लोग जो हैं वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ देम आर ओनली फॉर यूएसए और यूके। अगर आप गल्फ कंट्रीज की मार्केट के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर बहुत कम बैठे हुए हैं। मीन्स अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा रास्ते में है कि वो सबको थोड़ा सा मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। मीन्स कि वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग बैठे नहीं हुए। द रीज़न इज सिंपल कि वहाँ पे अभी इस तरह का ट्रेंड या अवेयरनेस जो है ना वो ग्रेजुअली आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक और सरप्राइजिंग बात बताऊं, आप अगर फाइवर पर जाके डाटा चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ऐसे लोग के जो सिर्फ और सिर्फ नून और अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपको 5 से 7 लोग मिलेंगे। मीन्स के जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज अमेजोन के लिए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 116,000 लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। और इस रीजन के अंदर जो अमेजोन भी और नून की भी सर्विसेज दे रहे हैं वो सिर्फ 5 से 7 लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है। तो ये अमेजोन के साथ नून को कंबाइन करने का मकसद यही है कि अगर आपने अमेजोन सीखा हुआ, लेट्स सपोज अगर मेरा स्टोर है, मेरा नून पे भी है अमेजोन पे भी है, अगर मैंने किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना है तो मैं प्रेफर करूंगा मैं किसी ऐसे बंदे को हायर करूंगा जिसको अमेजोन का भी काम आता हो, जिसको नून का भी काम आता हो। तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं जो है वो दराज के लिए एक और बंदे को हायर करूं, अमेजोन के लिए एक और को हायर करूं, नून के लिए मैं एक और बंदे को हायर करूँ। तो दैट्स द रीज़न हम अमेजोन के साथ नून को और दराज को भी हम इसके साथ अटैच करेंगे जो कि इस कोर्स का हिस्सा होगा। उसके बाद एक हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को कि वो अगर अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं और उनके पास अपना स्टोर ओपन करने के लिए कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, वो नहीं करना चाह रहे, विच आई डोंट रिकमेंड। मीन्स के इनिशियली मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वो अपना स्टोर क्रिएट करें जाके। सबसे पहले आप लर्न करें, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने अपना बिजनेस करना है, स्टोर ओपन करना है, आप बिल्कुल अपना स्टोर ओपन भी करें, आप बिजनेस भी करें। मगर स्टार्ट के अंदर व्हेन यू आर इन द लर्निंग स्टेज, मींस आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 5 मंथ टाइम पीरियड, इफ़ यू वांट टू लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट, उसके लिए हमारे स्टोर अवेलेबल हैं। वो आप चाहे यूएसए करना चाहें, यूके करना चाहें, कनाडा करना चाहें, आप सऊदीया करना चाहें, आप यूएई करना चाहें, हमारे स्टोर्स अवेलेबल हैं। और हम तमाम स्टूडेंट्स के जो अपनी कोई भी सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं वो हमारे स्टोर्स के ऊपर, हमारे प्लेटफार्म के ऊपर आके उसको लॉन्च कर सकते हैं एंड इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कास्ट। हम किसी किस्म के उनसे चार्जेस नहीं ले रहे। और लास्ट में एक चीज़ ये कि एक जो आपका ये स्किल्स हैं या जो आपका अमेजोन नून का कोर्स है, बेसिकली हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड, बल्कि 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ये आपका हो गया थ्योरी पार्ट होता है, दूसरे नंबर पे जो है वो आप प्रैक्टिकल इसको कर रहे होते हैं जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं या जिसको हम सेलर सेंट्रल अमेजोन भी कहते हैं। तो वो जो सेलर सेंट्रल की असेस है, मीन्स के डैशबोर्ड या सेलर सेंट्रल की असेस, वो हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को देंगे। और वो असेस कोई मतलब कि लिमिटेड नहीं होगी कि हम सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए देंगे, अनटिल अनलेस वो उसके ऊपर अच्छे से लर्न नहीं कर सकते, वो असेस उनके पास रहेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी पार्ट भी है, साथ में जो है वो प्रैक्टिकल भी साथ के साथ कर रहे हैं। उसके साथ ये है कि जो भी हमारा एक पैटर्न है सिखाने का, उसके अंदर ये चीज़ है कि इट्स नॉट लाइक ओनली PDF स्लाइड्स और समथिंग लाइक दैट, नहीं। अगर PDF या किसी रिटन चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, उसके साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वो चाहे Amazon का स्टोर हो, चाहे नून का हो, चाहे दराज का हो, वो भी साथ के साथ आपको बताई जा रही होती है, ताकि एक चीज़ जो है जो आप सुन रहे हैं साथ के साथ उस चीज़ को देख भी रहे हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से हमने करनी है इसकी। उसके बाद एनीहाउ डिफरेंट चीज़ें हैं जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं, एजेंसी सर्विसेज हैं, आपको क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट लेने में हम आपकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर आपने इट्सी के ऊपर हमारे स्टोर हैं, लेट्स सपोज इट्सी का नाम जो हमने सुना है, हैंडमेड के बहुत बड़ा चैनल है, दुनिया का सबसे बड़ा, उसके ऊपर अगर किसी ने अपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है तो वो हमारे इस चैनल को यूज़ कर सकता है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कास्ट, हम किसी किस्म के चार्जेज जो है वो अपने स्टूडेंट से नहीं लेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं क्लियर करना चाह रहा था आपको, ताकि आपके जहन में क्लैरिटी आ जाए कि भाई कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर शायद मैं एक चीज़ मिस कर गया कि ऐसे तमाम लोग जो ऑफलाइन बिजनेस करते हैं और वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे लोग के जो अपना सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं और अपना कोई ब्रांड जो है वो उसमें Amazon के ऊपर लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसमें भी वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आप कहीं भी अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से उसकी पैकिंग करनी है, प्राइसिंग, और स्पेसिफिकली उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन लॉज के हिसाब से, वो भी हम कम्प्लीटली ना ही गाइड करते हैं बल्कि एक अच्छी सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू हम वो स्टोर जो है उसको लॉन्च भी करवाते हैं। सो आई थिंक इस इन द इनिशियल स्टेज दीज आर द इनफ इंफॉर्मेशन। इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए, आपने द कोर्स में रजिस्टर्ड होना है, तो इसी वीडियो के अंदर जो है वो हमारा वेबसाइट का लिंक भी आ रहा होगा, आपको ईमेल आईडी भी आ रही होगी, उसके साथ व्हाट्सएप नंबर भी आ रहे होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स आप जो, बट मोस्ट उसमें जो है वो कन्वीनियंट आप लोगों के लिए अगर व्हाट्सएप रहता है तो व्हाट्सएप के नंबर दो दिए, इन व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को इनरोल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म एक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके अपनी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आपको अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू लेट अस नो एंड फील फ्री टू आस्क इन केस इफ़ यू रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन। एट द एंड ओनली वन सेंटेंस दैट ये हमारा जो फर्स्ट सेशन चलेगा ऑनलाइन का, इसके जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कुछ डिफरेंट किस्म की फ्री सर्विसेज भी दी जाएंगी मार्केट प्लेस से रिलेटेड, और अगर उनको क्लाइंट मार्केट के अंदर नहीं मिल रहे तो उनको क्लाइंट भी हम प्रोवाइड करेंगे। इससे हट के इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू वेरी मच गाइस।